मार्च 2020 से लेके आज तक नवी मुंबई के सारे नागरिक कोरोना के वजह से क्षतिग्रस्त रहे। हमारे अपने लोगों की मौत भी हो गई है, वो भी हमने झेला। आर्थिक मंदी के दौर से हम लोग सारे गुजर रहे हैं और उभरने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी वक्त ब्रिटेन से भी कोरोना वायरस के आया हुआ है। हमने हमारी पूरी तरीके से फिक्र करनी है, हमारे पड़ोसियों की, हमारे दोस्तों की फिक्र करनी है, बड़े बुजुर्गों की फिक्र करनी है। मैं विधाता से यही प्रार्थना करूँगा कि आने वाला पूरा समय, हर एक की पूरी ज़िंदगी में कोरोना जैसी विपत्ति ना आ जाए, आपदा ना आ जाए, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा। नवी मुंबई के सारे नए जो भी नागरिक है, जो भी युवा है, उनको आगे भविष्य सुनहरा भविष्य रहे, इसके लिए भी मनोकामना करता हूँ। आगे सारी ज़िंदगी आपकी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे। इसी के साथ में 2021 की भी सारे नवी मुंबई के नागरिकों की मेरे तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिल से शुभेच्छा देता हूँ। धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।